सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध के चरण कमलों में श्रद्धा के सुवन अर्पित करता हूँ और परम पूज बोध सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करता हूँ। आज ये हमारे देश में बौद्ध कथा वाचकों में और वैदिक धर्म के शास्त्रियों में बहुत बड़ा युद्ध जैसा सिलसिला चल रहा है और बौद्ध कथा वाचकों को वैदिक धर्म के शास्त्री दबाते चले आते हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। अगर कोई लौट के जवाब देता है तो धमकियां देते हैं, मुंह तोड़ दूंगा, गोली मार दूंगा। हैं, अब किस किस का नाम लूं? ये शास्त्री सोच रहे हैं कि बौद्ध कथा के शास्त्री अपनी बौद्ध कथा को बंद कर दें, विराम दे दें और हमारी कथा चलना चाहिए। और इनकी कथा में कोई ताकत और जान नहीं है और ना इन्हें इतना ज्ञान है कि जो कि ज्ञान का जवाब हम ज्ञान से दें। मैं सुसम्राट गायक हीरालाल बौद्ध कथा वाचिक, मैं आपको सभी भाइयों को बहनों को बौद्ध अनुयायियों को चेतावनी देता हूँ, सभी एक होकर के रहो और पीछे हटने की कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। तो मैं एक गीत को गाने के लिए जा रहा हूँ लेकिन मैंने बनाया नहीं है, वो गीत मैंने बनाया नहीं है, बहुत पुराना गीत है। गुरु शंकरानंद जी ने अपनी भजन माला में ये गीत लिखा था। तो देखिए, उन्होंने बहुत दिन पहले ही इस बात को खोल दिया था और उस समय उस किताब की छानबीन हुई थी, कोर्ट ने वैसे ही उन्हें छोड़ दिया और उसी गीत का ये लिखा हुआ गीत है और आप सुनेंगे। जो आप देवताओं की पढ़ाई करते हैं, बड़ा बुरा लगता है। विजय सूटियो हाथरस के माध्यम से मैं ये गीत पेश करने जा रहा हूं, हीरालाल बौद्ध। अरे बैठ जाते ठिकाने एक दिन बैठ जाते ठिकाने शुक्राचार्य मौजूद थे, उनको ये बात मालूम पड़ गई तो वो उनकी बैठक में चल देते हैं। जुर्मिल देव सभा में बैठे बड़े बड़े आनंद छाए हैं, तब तक शुक्राचार्य कहीं से बिना बुलाए आए हैं। कानिया आँखी देख शुक्र की सब हंस करके मुस्काए हैं, तिरस्कार किया सब केवन ने शुक्र के अमान घटाए हैं। सो कुरके मान घटाए हैं।
कैसे हुए थे? राजा बल के झा जब विष्णु ने संकल्प करवाया था तो करवाने से जल नहीं निकलने दिया, उसमें अंदर प्रवेश हो गए तो उसने विष्णु ने सींक डाल के उनकी आंख को फोड़ दिया। क्योंकि गुरु शुक्राचार्य मने करते रहे थे कि ये छलिया है, ये राजा बल होश में आ जा, संकल्प मत करे। सो सबते बन्ने भैया दाई ती सूचना तुम्हा जलतिया हो ना रवाने कदना बैठे जाते नादर शुक्र जी बोले ऐसे क्यों गर बाते हो सब याऊ खादी तुम्हारी खोला ऐसे सापु कहां के हो विष्णु अनेरे प्रहंदा छल की ना इन प्रधान बनाते हो करण भय कुहा धीरे कुंती के तो भी अनासर माते हो फिर भी हमें दबाई रहे देवता बात समझ नहीं पाते हो। और गुरु शुक्राचार्य बोले आंख का काना और उसे काना मत समझो, जो कुल का काना होता है वो सबसे बड़ा काना होता है। सो मेरी ये कया आँख जा कानी अरे बैठे तुम सब कुल काने एक दिन बैठे थे बठिकाने एक दिन बैठे थे बठिकाने। दोष दे रहे हैं कि तुम्हारी बुराई करते हो, तुमने गहराई से शास्त्र देखे ही नहीं है। क्या बोले गुरु शुक्राचार्य? देवता सुन लो, ज्ञान में शक्तिवान में तुमसे मैं कम नहीं हूं। लगो कलिंग का चंद्र में भारी ब्रह्मा ने तो पेन से भोग किया अंजनिया को सब कोई जाने जाने किसी विधि से ऋतु दान लिया पड़ गई धूरी पड़ा पन में फिर नहीं किसी ने जवाब दिया घाटक करो रे परड़ता तुम्हारी हाउ तैसे ही जान लिया गांठी गांठी में फोट तुम्हारे तुमने औरों को बदनाम किया। मोई पुत्री माना लिंग पे मोई रे चढ़ाया
कहा हैं। सो मेरो बनिया हाथ तुम्हारे में मैंने दुख का सहे मन माने एक दिन बैठे थे ठिकाने एक दिन बैठे थे ठिकाने एक दिन बैठक में शंकर भगवान मौजूद थे और अपनी पुत्री का वचन सुन करके शंकर जी बोले, दूजी बार शंकर जी ही बोले मेरी तरफ दीजियो ध्यान ऐसो मैंने कहा बिगारो दुख मौको है महान। और क्या करते लोग बेल पत्ता रे फूल चढ़ा मैं नहला बतन तय दुखिया रात है मेरे प्राण। दूजी बार शंकर जी बोले मेरी तरफ रे दीजो ध्यान ऐसो मैंने कहा बिगारो दुख मौको है महान बेल पत्ता रे फूल चढ़ाए रे ऊंट मौको लो है जान पानी से नहला बतन तय दुखिया रात है मेरे प्राण। और क्या बोले शंकर जी जब गुरु शुक्राचार्य को प्रधान का पद दिया गया तो सब गुरु शुक्राचार्य को अपनी कथा सुनाने लगे और शंकर जी रो के बोले सो तू कसाय मोई उबारो मेरे स्वामी अब प्राण मेरे घबराने एक दिन बैठे थे ठिकाने एक दिन बैठे थे देवी दुर्गा जी बैठी थी उन पर नहीं रुका गया। दीजी अब भारत दुर्गा जी बोली मेरी भी सुनाई हो मेरा बकरा है अपने काटे हत्यारी बाता में मोई घर घर में टुलाई के फिर चौड़े में बैठा रे मोई कुत्ता मूती जात मो में जेका हंसी ने कहो लगाई दे मोर ऐसे करके दुर्गा जी ने कहा है और बोली सो शंकरानंद खबर ले स्वामी अरे अब सबने बैठे देव ठिकाने एक दिन बैठे देव ठिकाने।
योद्धा जय मूल निवासी।